अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक है। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फाइन वेरी फाइन। चलिए अभी मैं जा रहा हूँ सामने अपने घर दूसरे, तो वहाँ पे एक मैकेनिक, कलर का मैकेनिक है, रंग का मैकेनिक है, गाड़ी को रंग कर रहा है। थोड़ी से स्क्रैच थे, कल नई गाड़ी आई है, उसको फिर फूंडी पड़ती है। मैंने कहा तुम काम स्टार्ट करो, तो अभी उधर चलते हैं जनाब, करवाते हैं। ब्लॉग जो मैंने बनाया था ट्विटर पासों का, उसका भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो मज़ा आया है। उसको भी जो है ना आपने अप्रिशिएट किया है, तो मुझे कमेंट्स भी मिले हैं अच्छे अच्छे भाइयों के, तो वो भी मैंने पढ़े हैं। तो माशाल्लाह मज़ा आता है जब आप कोई कमेंट करते हैं या आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो मज़ा आता है, दिल करता है फिर नई नई और वीडियो बनाई जाए अपने बहन भाइयों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो ये जनाब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो मैं रोड से मैं आया हूँ, अपोजिट, इसके अपोजिट हमारा ऑफिस है, और रोड के इस तरफ ये हमारा अंदर आया हूँ। ये ऑलमोस्ट ये पूरी जगह, आपको कुछ गाड़ियाँ भी, 6-7 गाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए इधर खड़ी हैं, क्योंकि इनको फिर दोबारा उधर अपने शोरूम में ले के चले जाएँगे। यहाँ सम टाइम वहाँ पे जगह तंग होती है शोरूम में, तो यहाँ सम टाइम कोई काम करना हो गाड़ी का, तो फिर यहाँ पे करवाते हैं मैकेनिक को बुलवा के। तो मेरे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं जो पेपर से फुल कवर्ड है, क्योंकि उसको अभी रंग किया जा रहा है, मैकेनिक आया हुआ है जो रंग। गाड़ी जनाब मैकेनिक लगा हुआ है, टोयोटा वैन गाड़ी, इसका रिव्यू मैंने आपको दिया हुआ है, इसकी वीडियो ब्लॉग पहले बना हुआ है। लेकिन एक्चुअली इसका ये है कि ये भी कस्टमर है हमारा, इसने मुझसे कल दो गाड़ियां ली हैं, दो गाड़ियां बाई की हैं, तो अपनी इसकी ये गाड़ी थी, तो वो जब वो दो गाड़ियां ले चुका मेरे से, तो उसका नंबर रजिस्ट्रेशन जब हो चुका, तो वो नई गाड़ी दे गया, दूसरी गाड़ी यहाँ पे छोड़ गया मेरे पास। तो उसने मुझे बोला आप ये काम करते हो तो उसका गाड़ियाँ का तो लगनी है आपके पास, हर किसी का मैकेनिक होगा, तो ये मेरी गाड़ी में यूज़ करता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रैच तो ये ठीक करवा दें, तो फिर उसका मैं थोड़ा फेवर कार हूँ, तो हेल्प करूँ मैं, नो प्रॉब्लम। उसने गाड़ियाँ जीतनी है तो इतना तो उसका हक बनता है, वरना किसी के पास क्या टाइम है, हम अपने बहुत काम में। उसने चलो दो गाड़ियाँ जीती हैं, तो अभी जनाब ये सिर्फ आप देख लें इधर, आपको थोड़ा घुमा के राउंड बता दूं, ये भी साथ हमारे वो सामने आपको जो घर नज़र आ रहे हैं, ये भी अभी बन रहे हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुए। एक्चुअली ये ओमान का अरबी है, अरब है ओमान का, तीन भाई हैं, तो तीनों एक ही जगह पे एक जैसे घर बना रहे हैं जनाब, अभी तक तैयार नहीं हुए। ये कुछ गाड़ियाँ इधर खड़ी की हुई हैं बस, तो ये अभी सफाई वगैरह क्लीनिंग के लिए लड़के लगाए हुए हैं, जितना भी आगे पीछे ये जो रबिश कचरा वगैरह है, ये सारा एक जगह पे इधर इकट्ठा कर रहे हैं, तो बाद में उठा लेंगे। तो कुछ टाइम के लिए कुछ गाड़ियाँ हमने यहाँ भी खड़ी की हुई हैं, तो ये कुछ गाड़ियाँ 7-8 इधर, ये बस भी है ये देख सकते हैं। तो फिलहाल कुछ टाइम के बाद ये भी नीचे ले जाएंगे। ये ऊपर देख सकते हैं, ये फ्लैट्स बने हैं, अभी तक तैयार नहीं हुए। इसके साथ ही ये जो है ये होटल है, ये होटल है जनाब, रेस्टोरेंट है, अकोमोडेशन भी है, सारा कुछ है इसमें। और ये वाले जो है ना फ्लैट्स बने हैं सारे फ्लैट, तो अभी तक तो 2017 से इसका काम शुरू हो रहा था, लेकिन अभी तक तो जो है ना थोड़ा थोड़ा हो ही रहा, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, 3 साल हो गए। अभी जनाब पता नहीं आपको आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, उसकी मशीन ऑन है, तो इससे अच्छा है कि
म्यूज़िक लगा दिया जाए, आप साथ साथ म्यूज़िक इंजॉय करें। चलें जी, अभी आपको वापस रोड पे लेके चलते हैं। ये जो अभी मैं दोबारा मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ, अपने मेन गेट की तरफ, तो इसके अपोजिट जो है ना, आपको मैं आपको दिखाऊंगा अपना ऑफिस। तो बिल्कुल उसके अपोजिट हमारा ये जो है दूसरा यार्ड है, जहाँ पे गाड़ियाँ ये खड़ी थी, आपने सब सारा देखा है। ये जनाब अभी ये भी इसका ऑलमोस्ट ये वॉल सारी नई बन चुकी हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं सब बन चुका है नया जनाब। ये मेन गेट है जो पुराने वाला है। अभी यहाँ पे आए थे जो वेल्डिंग वाले या कंपनी वाले, जिनसे गेट हमने जो मेन गेट है ऑर्डर पे तैयार करवाना है, वो मेजरमेंट सारा इसका माप वगैरह सारा कुछ ले गए हैं। तो इंशाल्लाह वो अभी तैयार होगा कुछ दिनों तक, तो वो जनाब लगेगा वहाँ, नहीं वो लगेगा यहाँ। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है वो चीज़ बड़ा गेट लगेगा, और ऊंचा भी इतना लगेगा जितनी ये वॉल है, इतना बड़ा और स्लाइड वाला लगेगा, क्योंकि समटाइम गाड़ी अंदर बाहर लेके जाने पड़ती है, तो स्लाइड वाला लगेगा। तो इंशाल्लाह वो अभी तैयार करके लाते हैं, तो बाद में इंशाल्लाह। ये जनाब मैं रोड पे अभी जा रहा हूँ, रोड के अपोजिट आप ये रोड और इसके अपोजिट वो आप देख सकते हैं, वो शोरूम हमारा गाड़ियाँ। ये मैं अपने शोरूम की तरफ जा रहा हूँ, फिर डोर की तरफ, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। वही जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हम गाड़ियों वाले का होता है, गाड़ी चलाई, एक माह चलाई, दो माह चलाई, तीन माह चलाई, तो फिर किसी कस्टमर को पसंद आ गई अपनी, और जो हम चला रहे हैं कस्टमर सामने कहते हैं हमें ये पसंद है, अंदर से नहीं पसंद करते, ये बाहर खड़ी है ये पसंद, तो फिर वो देनी पड़ती है, हमारा काम ये है। तो ये अभी मैं चला रहा था पिछले तीन माह से, तो ये कल दिन को कस्टमर आया, उसको गाड़ी चाहिए, इस तरह की अंदर भी खड़ी थी नई गाड़ी, लेकिन वो कहता है मुझे ये पसंद है, ये भी मैंने सेल कर दिया, अभी ये जाएगी तो फिर मैं अपने लिए कोई और गाड़ी निकालूंगा। सारे जो बैठे हुए हैं ये हमारे गेट के अंदर बैठे होते हैं, ये गाड़ियाँ हमारी सेल करने में हेल्प करते हैं, ये आप कह सकते हैं ये सेल्स मैन है। अगर हम मोस्टली अंदर बिजी होते हैं ऑफिस में, तो सम टाइम नहीं होता, तो ये बाहर ही बैठे होते हैं, तो कोई कस्टमर आता है तो ये कस्टमर को रिसीव करते हैं ये सारे बंदे, और कोई भी तो फिर की वगैरह ला के कस्टमर को गाड़ी चेक करवाती है, फिर सारी जब चेक हो जाती है तो फिर ये जब पैसों की बात आती है, सारी बात करें डिटेल अंदर एग्रीमेंट वगैरह के लिए अंदर, फिर हम बात गाड़ी सारी कुछ ये दिखा देते हैं, ये सारे जो बाहर बैठे हुए हैं बंदे जनाब सेल्समैन का काम करते हैं ये गाड़ी। तो जनाब ये अभी आपको एक चक्कर इसका भी, ये शोरूम के अंदर एंटर हो गया। इसकी हैर आपने दो वीक पहले मैंने अपने शोरूम की बनाई थी, वो तो आपने देखी होगी, तो ये वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा। जनाब ये अभी देखें जी, एक बास्केट है, टप है जनाब, इसमें हर चीज़ पड़ी हुई है। ये देखें जी, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं होती कि हमने लेने जाना है या कहीं जाना है फिर खाएंगे। इसमें जनाब मैं आपको बताऊँ सारा कुछ है, इसमें बनाना है, एवोकाडो है, ऑरेंज है, क्यूकम्बर है, इसमें करांगा भी, करांगा मतलब नट्स भी हैं नीचे। आराम आप आराम सुकून से अपने ऑफिस में बैठे जनाब, यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो अपने सर पे उठा के जनाब हर एक ऑफिस में भेजती हैं, जिसको जो भी लेना है विज़िट करती हैं वो फिर आराम से ले। हर रोज़ डिफरेंट लेडीज़ आती हैं जनाब लेके, तो इसमें बहुत किस्म की चीज़ें हैं, आप जो भी खाना चाहते हो, तो सारे यहाँ जनाब बैठे हुए, तो ये यहाँ से बाय करके तो खाते हैं जनाब। ये जनाब मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी? आज तो एक्चुअली थोड़ी सी हट के थी, तो आज मैंने सोचा थोड़ा काम हो रहा है गाड़ी का या कुछ और, थोड़ी सी चीज़ें आपको आज थोड़ी वो विज़िट कराई जाएं, बाकी तो इंशाल्लाह रूटीन में चलता रहता है जो हमारा गाड़ियों का सिलसिला है, वो तो इंशाल्लाह आपसे आपके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि हमारा काम ही ये है। तो इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में सिर्फ गाड़ी की फिल्में ही बनेंगी, तो इंशाल्लाह वो तो सिलसिला एक साइड पे चलता रहेगा, तो बाकी भी जो थोड़ी मज़े की चीज़ें जो होंगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो भी मैं अपने दोस्तों से शेयर किया करूँगा। जैसे आज थोड़ा मूड था कि थोड़ा
वो मैकेनिक आया हुआ है, गाड़ी को रंग हो रहा है, वो भी दिखा दूँ और थोड़ी डिफरेंट चीज़ करके दिखा दूँ थोड़े अपने दोस्तों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें जनाब, क्योंकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके इजीली। तो कोई भी भाई मेरी वीडियो से महरूम ना रह सके, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप भूल भी जाएं तो आपका फ़ोन जो है ना आपको याद करवाए कि ओपन करो, कोई चीज़ अंदर आ गई है इम्पोर्टेड जो आपको लाजमी देखनी है। तो प्लीज़ इसके लिए आप बेल आइकन लाजमी दबाया करें, ताकि बार वक्त मेरी वीडियो सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह, दवा जैसे डॉक्टर बोलता है ना, तो आपके फ़ोन में होनी चाहिए, हर वक्त बेल बजती रहनी चाहिए। तो आपकी सपोर्ट मुझे मिल रही है और बहुत खुशी हो रही है, और इंशाल्लाह जो है ना, प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, और मेरी वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना मुझे और व्यूज़ मिलेंगे, मुझे और नए फ्रेंड मिलेंगे जो गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, तो मुझे और भी नए जो है ना फ्रेंड मिल सकेंगे। सिर्फ आपके एक बटन दबाने से आप इस वीडियो को आप शेयर कर दें अपने रिलेटिव में, फ्रेंड में, तो मुझे और भी फ्रेंड मिल सकते हैं जो गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, तो इस तरह से मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला आपको सुखी रखे, आबाद रखे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।